दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट जीन ऑस्टन की लाइफ को। जीन ऑस्टन दोस्तों ऐसी नोवेलिस्ट थी जिन्होंने अपनी 6 वर्ल्ड फेमस नोवेल्स लिखी हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी उनमें से एक है। दोस्तों प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ही फेमस नोवेल है जिसको मैं कवर कर चुका हूँ। दोस्तों ये अपनी 6 नोवेल्स के लिए जानी जाती हैं और भी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, लेकिन वो इनके मैच्योर वर्क्स नहीं थे। ये मैच्योर नोवेल्स हैं 6 की 6 उनकी। इसके अलावा एक ड्रामा भी लिखने की इन्होंने ट्राई की थी। मैं आपको बता दूं, इनकी नोवेल रियलिस्ट होती थी, सोशल कमेंट्री करती थी, ह्यूमर होता था इनकी नोवेल में, लेकिन कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होते थे जिससे नोवेल ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में हमको लेकर के जाए। वॉल्टर स्कॉट इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, वो भी उन्होंने भी इनकी तारीफ की है इस टाइप का पैशन शुरू करने के लिए दोस्तों। जबकि इन्हीं की एज के कंटेम्प्रेरी राइटर्स, रोमांटिक एज के राइटर्स गॉथिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने इस टाइप की नोवेल्स लिखी। दोस्तों मैं आज इनको ढंग से डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, शुरू करते हैं। 1775 में इनका जन्म हुआ स्टीवनटन हैम्पशायर नाम की जगह पर। फादर का नाम था जॉर्ज ऑस्टन, जो कि एक रेक्टर थे। इनके फादर जॉर्ज ऑस्टन एक पैसे वाली फैमिली से थे, लेकिन फिलहाल ये गरीब थे। इनकी मदर का नाम था कैसेंड्रा। जैसे तैसे जेन ऑस्टन के पेरेंट्स की शादी हुई और वो हैम्पशायर नाम की जगह पर रहने आ गए। फिर इसके बाद इनके बच्चे हुए 1765 में जेम्स, 1766 में जॉर्ज और 1767 में एडवर्ड। फिर ये स्टीवनटन नाम की जगह पर रहने चले गए, हैम्पशायर में ही थी ये जगह। तो वहाँ पर 1771 में इनका बेटा हेनरी हुआ और उसके बाद 1773 में एक बेटी हुई जिसका नाम था कैसेंड्रा। फिर 1774 में फ्रांसिस और 1775 में फाइनली जेन ऑस्टन। तो इतने सारे सिबलिंग्स थे ये। अब जेन ऑस्टन की जो ये सिस्टर है कैसेंड्रा, इसको जेन ऑस्टन की मदर के साथ कंफ्यूज मत करना, उनका भी नाम कैसेंड्रा था। तो ये कैसेंड्रा जो थी इनकी सिस्टर, जेन ऑस्टन की बड़ी सिस्टर, इनको बहुत सारे लेटर्स लिखे थे जेन ऑस्टन ने, और उन्हीं लेटर्स से इनकी बायोग्राफी के बारे में पता चलता है। दोस्तों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इनकी बायोग्राफी की मिलती है इनके लिखे हुए लेटर्स से, जो भी बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए। इसी कैसेंड्रा ने उन लेटर्स को जला दिया था। अब जब ये बड़ी हुई जेन ऑस्टन, तो इन्होंने थोड़ी बड़ी हुई तो इन्होंने चर्च अटेंड करना शुरू कर दिया और वहीं पर ये सोशलाइज होने लगी। फ्रेंड्स और पड़ोसियों के साथ में ये सोशलाइज होने लगी और डांस वगैरह भी, डांस की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब इनका भाई जो था हेनरी, वो बोला जेन वॉज फॉन्ड इन डांसिंग एंड एक्सेल्ड इन इट। तो डांसिंग बहुत पसंद थी जेन ऑस्टन को उस वक्त। अब 1783 में इनको इनकी सिस्टर कैसेंड्रा के साथ में भेजा गया ऑक्सफर्ड पढ़ने के लिए, मिस एन काउली के पास में। लेकिन तभी इन दोनों सिस्टर्स को टाइफस हो गया, टाइफस नाम की बीमारी हो गई और जेन ऑस्टन लगभग उस बीमारी से मौत के करीब ही थी। लेकिन फिर बाद में इनको घर में ही एजुकेशन मिली। बाद में इन्होंने बोर्डिंग स्कूल भी ज्वाइन किया, लेकिन वो भी छुड़वा दिया गया लगभग एक साल के बाद में, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी इस फैमिली के लिए। अब ज़्यादातर एजुकेशन इनको प्राइवेटली ही मिली थी, ज़्यादातर इनके घर में एक्टिंग वगैरह चलती थी। जैसे कि रिचर्ड शेरिडन, जो उस वक्त के प्लेराइट थे, उनका एक प्ले है द राइवल्स नाम का, जो मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, और डेविड गैरिक का बॉन्टन, इनकी परफॉर्मेंस दी जाती थी। अब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे कि इनकी एक्टिंग चलती रहती थी। जेन ऑस्टन का भाई था जेम्स, वो राइटिंग लिखता रहता था तो जेन उसको देखती थी। फिर धीरे धीरे वो खुद भी उसके साथ में लिखने लगी और सिर्फ 12 साल की एज में जेन अपना खुद का ड्रामा लिखना चाहती थी और लिखे भी, 3 शॉर्ट प्लेज लिखे आने वाले कुछ सालों में, टीनेज में ही लिख दिए थे। तो कमाल है 12 साल की एज में ड्रामाज लिखना, मतलब इंसान अपने माहौल के हिसाब से बनता है। अब इसी एज में उन्होंने पोएम्स और स्टोरीज भी लिखी। और ये सब वो क्यों लिखती थी? अपनी फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए। शाम को जब ये एक साथ बैठते थे, खाना वगैरह खाते, तो उस टाइम पर ही अपने वर्क्स को सुनाती थी उनको। और दोस्तों जेन ऑस्टन के इन अर्ली वर्क्स को बोला जाता है जुवेनिलिया, और ये 3 वॉल्यूम्स में थे, नोट कर लो। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर और एक पब्लिक ऑरेटर रिचर्ड जेंकिंस ने जेन ऑस्टन के वर्क्स को कंपेयर किया है लॉरेंस स्टर्न के वर्क से। 18th सेंचुरी के नोवेलिस्ट थे लॉरेंस स्टर्न, उनके वर्क से कंपेयर किया है। वो क्यों किया है आगे पता चलेगा। अब 14 साल की एज में जेन ऑस्टन ने एक सटायरिकल नोवेल लिख डाली जिसका नाम था लव एंड फ्रेंडशिप। दोस्तों इस नोवेल का नाम नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है। और 15 साल की एज में एक और वर्क लिखा, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये सिर्फ 34 पेजेस का वर्क था और ये वर्क ऑलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नाम का, 1764 का, उसकी पैरोडी था।
अब लव एंड फ्रेंडशिप जब इन्होंने नोवेल लिखी अपनी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लिखेंगी प्रॉफिट के लिए, मतलब अब ये प्रोफेशनल राइटर बनने की तरफ चल पड़ी थी। तब इनकी उम्र थी 18 साल। तब तक इन्होंने ज़्यादा देर तक लिखना शुरू कर दिया था, अपने सोफिस्टिकेटेड वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने अपना वर्क नॉर्थेंगर एबी लिखना शुरू किया, लेकिन उसको अधूरा छोड़ दिया। फिर एक प्ले लिखना शुरू किया, एक प्ले की तरफ फोकस किया, सर चार्ल्स गार्डिसन और द हैप्पी मैन, 6 एक्ट की कॉमेडी थी, इसको भी लिखना शुरू किया लेकिन उसे भी छोड़ दिया। फिर 1793 से 1795 के बीच में जेन ऑस्टन ने लेडी सुजन नाम का एक वर्क लिखा, इसको भी लिखना शुरू किया। अब दोस्तों गौर से सुनना, तब इनकी मुलाकात होती है, जब इनकी एज 20 साल थी तब इनकी मुलाकात होती है इनके पड़ोसी टॉम लेफ्रॉय से, जो कि बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा था, वो इनका पड़ोसी बना। और जेन ने लेटर्स में अपनी सिस्टर कैसेंड्रा को बताया भी कि हमने साथ में टाइम गुजारा, बड़ा जेंटलमैन टाइप, गुड लुकिंग और प्लीजेंट यंग मैन था। इसके अलावा भी जेन ऑस्टन ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन तभी लेफ्रॉय की फैमिली ने उसे दूर भेज दिया और उसके बाद वो अपना लीगल करियर बनाने के लिए चला गया। उसके बाद वो फिर से आया था यहाँ पर, लेकिन जेन ऑस्टन से उसको दूर रखा गया। इसके बाद जेन ऑस्टन ने कभी उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन लेफ्रॉय अभी भी जेन के दिमाग में था। अब इनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं। लेडी सुजन पर काम करने के बाद में इन्होंने अपनी एक लंबी सी नोवेल एलेनर एंड मैरियन पर काम करना शुरू किया। दोस्तों यही नोवेल आगे चलकर सेंस एंड सेंसिबिलिटी बनी। अब ढंग से समझना क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब इन्होंने अपनी नोवेल लिखी एलेनर एंड मैरियन, फिर इसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया अपने दूसरे मास्टरपीस वर्क पर, जिसका नाम था फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस बनी थी आगे चलकर, ये नोवेल फर्स्ट इंप्रेशंस पहले इसका नाम रखा था। इसको जेन ऑस्टन ने कंप्लीट कर लिया था एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको बताया कि ये अपनी नोवेल्स को अपनी फैमिली के सामने पढ़ती थी, तो ये नोवेल जेन ऑस्टन के फादर को बड़ी पसंद आई और उन्होंने कोशिश की इसके बाद में कि चलो इसकी एक नोवेल को पब्लिश करवाया जाए। ये पब्लिशर के पास गए, लेकिन उस पब्लिशर ने इसको पढ़ने से पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 1798 में इन्होंने एलेनर और मैरियन को भी कंप्लीट कर लिया, ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सुजन नाम की एक नोवेल लिखना शुरू किया और ये नोवेल आगे चलकर नॉर्थेंगर एबी बनी। नॉर्थेंगर एबी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये नोवेल एक सटायर थी उस टाइम पर। एक नोवेल्स का टाइप बड़ा फेमस था, गॉथिक नोवेल्स। उस टाइम पर रोमांटिक एज में गॉथिक नोवेल्स बहुत लिखी जा रही थी, तो उस पर सटायर थी इनकी नॉर्थेंगर एबी। और ये नोवेल को भी उन्होंने बेंजामिन क्रॉसबी नाम के पब्लिशर को दिया। उस पब्लिशर ने इसको पब्लिश करवाने का वादा तो कर दिया, कॉपीराइट दे दिया, लेकिन वो पब्लिश करवा नहीं रहा था, तो जेन ऑस्टन ने उससे वो नोवेल वापस ले ली, कॉपीराइट वापस देकर। अभी तक नोवेल्स पब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी नोवेल द वॉटसन्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच 1801 से 1804 के बीच के टाइम में कैसेंड्रा ने जेन ऑस्टन के लेटर्स को जला दिया। अब पता नहीं क्या रीज़न था कि क्यों उन्होंने उन लेटर्स को जला दिया। फिर इसके बाद 1802 में ही जेन ऑस्टन को एक मैरिज प्रपोजल आया। फिर 1805 में जेन ऑस्टन के फादर की डेथ हो गई। उनके फादर की डेथ के बाद में जेन ऑस्टन ने कुछ टाइम के लिए लिखना छोड़ दिया था और फाइनेंशियल सिचुएशंस भी अच्छी नहीं थी, इधर उधर भटक रहे थे। फिर 1809 में इनके भाई एडवर्ड ने इनकी कंडीशन में थोड़ा सा सुधार किया, तो ये लोग चार्टन हाउस में रहने लगे। तो उस वक्त जेन को भी अपनी एज की बाकी वुमेन ऑथर्स की तरह अपने वर्क्स को अपने नाम के बिना ही पब्लिश करवाना था। अब जो उस वक्त की वुमेन राइटर्स थीं, वो नोवेल्स को पब्लिश तो करवाती थी, अपने वर्क्स को पब्लिश तो करवाती थी, लेकिन वो एक पार्ट टाइम राइटिंग करती थी, फुल टाइम राइटर नहीं थी। तो उस वक्त जेन के भाई हेनरी ने कोशिश की और एक पब्लिशर को पकड़ा, थॉमस एजर्टन। वो जेन की वर्क सेंस एंड सेंसिबिलिटी को पब्लिश करवाने को राजी हो गया था, लेकिन ऑथर के खुद के फाइनेंशियल रिस्क पर, यानी कि इसको बोला जाता है ऑन कमीशन। ये ऑन कमीशन पब्लिश हुई थी इनकी सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जो कुछ भी है इस नोवेल को पब्लिश करवाने में ऑथर का रिस्क है। फिर अक्टूबर 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी मार्केट में आई। अब उस नोवेल पर ऑथर का नाम नहीं था, बस ये लिखा हुआ था बाय अ लेडी, मतलब कि ये नोवेल बाय अ लेडी। ये बाय अ लेडी का मतलब बहुत बड़ा था उस वक्त। और इस नोवेल के मार्केट में आने के बाद इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए थे। इस नोवेल ने एक नया फैशन शुरू किया था। 750 कॉपीज़ बिकी थी उस वक्त इस नोवेल की, और 140 पाउंड बनाए थे जेन ऑस्टन ने इस नोवेल से। और इस नोवेल को पब्लिश करवाने के बाद जेन ऑस्टन थोड़ी सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई थी। इसके बाद
जो भी नोवेल आई जेन ऑस्टन की, ज़्यादातर जो भी पब्लिश करवाई जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस इसके बाद में आई थी, तो उस पर भी जेन ऑस्टन ने अपना नाम नहीं दिया। इनकी लाइफ टाइम में जितनी भी नोवेल्स पब्लिश हुई उनमें से किसी पर भी जेन ऑस्टन ने अपना नाम नहीं दिया। डेथ के बाद पब्लिश करवाया वो अलग बात है, और प्राइड एंड प्रेजुडिस पर भी नाम दिया था बाय द ऑथर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी को जिसने लिखा है उसी के ऑथर ने प्राइड एंड प्रेजुडिस को भी लिखा है ऐसा करके। पर प्राइड एंड प्रेजुडिस के पब्लिश होने के बाद में 475 पाउंड का बिजनेस किया इस नोवेल ने। मतलब जेन ऑस्टन के फादर की पूरे साल की जितनी इनकम थी, जितना कमाते थे वो, उसका डबल एक नोवेल से कमा लिया जेन ऑस्टन ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस तो दोस्तों इनका सबसे फेमस वर्क है जेन ऑस्टन का। 1814 में आती है मैंसफील्ड पार्क, और दोस्तों मैंसफील्ड पार्क की मार्केट में आने के बाद में रिव्यूअर्स ने तो इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन रीडर्स के बीच में ये बड़ी पॉपुलर हो गई। रीडर्स इसको बहुत पसंद कर रहे थे। फिर इससे जेन ऑस्टन ने इतना कमाया जितना किसी नोवेल से उन्होंने नहीं कमाया था। इनके वर्क्स को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाने लगा, और उस वक्त जेन ऑस्टन को पता चला प्रिंस रीजेंट ने इनके वर्क्स की तारीफ की है और इनको अपने पास बुलाया है, इन्वाइट किया है। तो जेन ऑस्टन वहाँ पर नहीं गई क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं था, ऐसा ये मानती थी। इसके बाद में इन्होंने एमा को पब्लिश करवाया, और इसके बाद ये एमा को पब्लिश करवाने के बाद में इनको नोवेल्स को पब्लिश करवाना रोकना पड़ा, क्योंकि पहले तो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गई थी, और दूसरा 1816 में जाकर जेन ऑस्टन बीमार रहने लगी, और ध्यान ना देते हुए इन्होंने काम करना जारी रखा। मतलब ये काम करती रही और सैंडटन नाम के वर्क पर ये काम कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसको भी रोकना पड़ा। हालत बिगड़ती गई और 41 की एज में जाकर 1817 में इनकी डेथ हो गई। एमा जितनी नोवेल्स तो इनके जीते जी पब्लिश हुई, और डेथ के बाद इनके भाई बहनों ने इनकी नोवेल्स जैसे पर्सुएशन और नॉर्थएंगर एबी इनको पब्लिश करवाया। दोस्तों इनके सिबलिंग्स ने ही दुनिया को बताया था कि ये जो पहले ग्रेट नोवेल्स लिखी थी जिन पर इनका नाम नहीं था, वो ग्रेट नोवेल्स इन्होंने लिखी थी। दोस्तों इनके वर्क्स पर सेंटिमेंटल नोवेल्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, जैसे सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और लॉरेंस स्टर्न, तो ये सेंटिमेंटल नोवेलिस्ट थे। अब जो इनके टाइम के रोमांटिक नोवेलिस्ट थे जैसे वॉल्टर स्कॉट, हॉरेस वॉलपोल, रेडक्लिफ, क्लैरा रीव और ऑलिवर गोल्डस्मिथ, तो इनके स्टाइल को रिजेक्ट करके जेन ऑस्टन ने रिचर्डसन और फील्डिंग इनकी तरफ इनका इंटरेस्ट गया, और रियलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनर्स को पकड़कर इन्होंने अपनी नोवेल्स को लिखा। एफ आर लेविस ने भी इनको दोस्तों रिचर्डसन और फील्डिंग के ट्रेडिशन का माना है। इन्होंने अपने टाइम के गॉथिक फिक्शन से तो परहेज किया और रियलिज्म को दिखाने की कोशिश की। नॉर्थएंगर एबे इनका इसी गॉथिक फिक्शन पर एक सटायर था। सैमुअल रिचर्डसन के स्टाइल को जेन ऑस्टन ने पकड़ा, जो कि उन्होंने पैमेला में यूज किया था। दोस्तों ये अपने नैरेटिव से अपने कैरेक्टर्स के दिमाग में जो कुछ भी चलता था वो अपने रीडर्स के सामने प्रेजेंट करती थी, और ऐसे नोवेल्स लिखने वाली ये पहली ऑथर थी। जिस वक्त ये अपने नोवेल्स को बेनाम नाम से पब्लिश करवा रही थी उस वक्त सर वॉल्टर स्कॉट लीडिंग नोवेलिस्ट थे उस वक्त, तो जेन ऑस्टन की रियलिज्म की उन्होंने भी तारीफ की, और रिचर्ड वीटली ने भी इनके ड्रामेटिक नैरेटिव की तारीफ की है। दोस्तों ये इनके कंटेम्प्रेरीज थे दोनों जने, लेकिन दोस्तों इनकी नोवेल्स रोमांटिक्स में फिट नहीं बैठती, क्योंकि रोमांटिक्स तो पावरफुल इमोशंस का यूज़ करते थे अपने वर्क्स में, और विक्टोरियंस में भी फिट नहीं बैठती क्योंकि विक्टोरियंस चार्ल्स डिकेंस जैसी नोवेल्स को पढ़ना पसंद करते थे। तो सर वॉल्टर स्कॉट ने बोला है कि इनकी नोवेल्स कॉमन लाइफ को दिखाती थी, ना कि आपको इमेजिनरी दुनिया में ले जाती थी, तो यूनिक स्टाइल था इनका नोवेल्स लिखने का। जबकि दोस्तों एक फ्रेंच क्रिटिक थे फिलरेट चेसल्स, उन्होंने इनको राइटर मानने से इनकार कर दिया, कहते थे कि इनकी नोवेल्स बहुत बोरिंग हुआ करती थी। हेनरी जेम्स ने भी जेन ऑस्टन की तारीफ की है, और कईयों ने तो शेक्सपियर के बराबर की रैंक पर इनको पहुंचा दिया। दोस्तों इनके वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ने के बाद में प्ले राइट रिचर्ड शेरिडन ने अपने एक दोस्त को कहा, इमिडिएटली कहा कि तुम इस नोवेल को खरीदो, सजेस्ट किया, क्योंकि ये क्लेवरेस्ट वर्क है जो मैंने आज तक पढ़ा है। अब इनके वर्क्स की बात करते हैं दोस्तों। सेंस एंड सेंसिबिलिटी फर्स्ट नोवेल थी जो इनकी पब्लिश हुई थी, फिर उसके बाद में प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थएंगर एबे, पर्सुएशन, ये तो 6 नोवेल्स थी जो कि वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। इसके अलावा लेडी सुजन जो कि 1871 में इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी, इसके अलावा दोस्तों ये नॉर्थएंगर एबे और पर्सुएशन ये दोनों भी इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी। बाकी की ये 4 नोवेल्स जो थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क और एमा,
ये इनकी डेथ से पहले पब्लिश हुई थी, इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी, लेकिन इन पर नाम नहीं था इनका। और दो वर्क्स द वॉटसन्स और सैंडटन, ये दोनों इनके अनफिनिश्ड वर्क हैं, मतलब इनको पूरा नहीं कर पाए जेन ऑस्टन। इसके अलावा सर चार्ल्स ग्रैंडिसन एक अडॉप्टेड प्ले है इनका। जुवेनिलिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि इनके अर्ली वर्क्स थे 3 वॉल्यूम्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।